गैस हम लोग का बहुत लेट हो गया और गर्मी धूप है, अभी मोटा मोटी 3 बजने जा रहा है, पता नहीं स्कूल भी बंद होगा क्या। तो गाइस वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ NS खतरा। आज की ब्लॉग में मैं अपना घर से जा रहा हूँ, ड्यूटी ड्यूटी से जाऊँगा। अपना स्कूल का डॉटा की एडमिशन है तो मैं स्कूल जाऊँगा और मैं अभी अपने रूम में हूँ और मेरी ने दिया है दुकान और एक आदमी उधर कपड़ा खींच रहा है और एक आदमी इधर खाना खा रहा है। मेरी का ग्रोटो है और सामने भी इसका हो गया चप्पल छोटा और ये नाव टंकी लगा रहा है अभी जाते समय, कभी जूता बड़ा कभी छोटा। जल्दी कर जल्दी कर, होला हम लोग अभी निकल रहे हैं और मेरी ना पूरा पूरी रेडी हो गया वो जाने के लिए और ये जाएगा और मैं जाऊंगा अभी और इसका छोटा बहन रहेगा घर पे और दोनों रहेगी यहाँ, एक को लेके जा रहा हूँ। तो बस आगे बने रहिए, हाय जल्दी हाय। तो ओके गाइस छोटी टाटा गाइस हम लोग निकल चुका है अभी और हम लोग अपना यहाँ सिलीगुड़ी आदर्श नगर में है और यहाँ पे गुल्लू महाराज भी जा रहा है आगे आगे। ये आदर्श नगर ये क्लब है तो यहाँ से हम लोग का भीतर हाफ किलोमीटर में रूम है। यहाँ से हमारे तक जब आके मीटर हाफ किलोमीटर बोले मैंने इंग्लिश में हाफ किलोमीटर में नहीं जाने के लिए आधा। गैस अभी मैं हूँ चन्नापट्टी में और मेरे साथ है मेरी ना और ये जो फ्लेक्स दिख रहा है ये फ्लेक्स ये जो होगा गजल डूबा ये 40x25 का फ्लेक्स होगा और मैं हूँ अभी किंग हॉस्पिटल के यहाँ पे। तो अभी यहाँ से हम लोग रवाना होंगे तो ओके गेस्ट बने रहिए। गैस हम लोग ने अपना ऑटो पकड़ लिया और यहाँ से जा रहे हैं 80 घर मोड़ और मेरा पास देख रहे हैं यहाँ पे फ्लेक्स है यहाँ पे और मैं हूँ अभी सिंगापुर में इतनी बहुत ही ट्रैफिक जम होता है और दिल्ली भी मेरा सर। तो ये पोस्टर जलपाईगुड़ी गजलडुबा गेट बाजार के सामने लगेगा तो मैं यहीं से आप लोगों को अपना बहुत ही ये है बेलस मोड़ और सीधा चला जाता है NJP और हम लोग जाएंगे इस तरफ में। मैं पहुंचा हूं अभी बागा जी की बर्निंग है और मैं बहुत मोड सिलीगुड़ी म्यूनसिपलिटी कॉलोनी पा रहा हूँ और यहां से मुझे बाईपास पहुंचने के लिए कुछ ही टाइम लगेगा। तो गैस बने रहिए, अभी की प्रोसेसन आप लोगों के साथ में मैं जरूर शेयर करूँगा। काम करना गुरु मशीन जाके अपना ये
स्टे करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग हैं रास्ते में और यहाँ से कितना टाइम लगेगा मालूम नहीं, तो जाते जाते आप लोगों को जो भी है मैं शेयर करूँगा। तो ओके गाइस, बने रहिए, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को। जैसे कि हम लोग अभी है गाड़ी में और हम लोग गाड़ी रवाना हो चुके हैं और यहाँ पे इंजन अभी पूरा सो गया है गाड़ी में और गाड़ी अभी स्टार्ट होती है मोटा मोटी अब का थोड़ा मोटा पहुँचने वाला है। तो तो गैस मैं पहुंचा हूं अभी गजलडुबा और मेरे सामने काफ़ी अच्छा ये नदी देख रहे हैं आप लोग। ये एक छोटा टर्नल है और मैं लगाऊंगा वो आगे वाला बोर्ड, तो मेरा पीछे देख रहे हैं वो सैम स्टील का बोर्ड, मैं उसमें अपना काम करूंगा और काम करके यहां से फिर से गाड़ी पकड़ के उदला बड़ी होके मेरे को गरु बथन। तो एक्चुअली लेट भी बहुत हो चुका है और मेरा पीछे देख रहे हैं काफ़ी सुंदर नदी का बहाव है, ये पानी इतना अच्छा नदी का पानी है नीला कलर में काफ़ी। तो ये रहा चिवड़ा मिल और यहाँ पे जो धान है उसको घुसाया जाता है और यहाँ से निकल के वहाँ पे बोनी जाती है। तो ये है और पीछे जनरेटर और इधर भी एक है, ये भी चिड़ा मिल है दोनों। तो ये भी दोनों एक ही काम कर रहे हैं, ये भट्टा, ये ऊपर चिमनी और ये एक मशीन है और वहाँ पे कंट्रोल होती है, यहाँ पे पीसी जाती है धान गेहूँ और ये जितना राख है भूस और धान का पिसा हुआ राख और पीछे मंदिर होगा, पीछे खेती है इधर में। मेरे पीछे देखा वो खेती जो यहाँ का आदमी कृषि करता है और ये कुछ लोकली इलाका है, यहाँ पे कुछ अच्छी तरीका से सब्जी से लेकर सब कुछ मिलता है। सामने एक बाज़ार भी लगता है जो संडे संडे को, वहाँ पे आपको अच्छी तरीका से यहाँ से सब्जी एकदम ऑर्गेनिक मिलेगा। तो यहाँ के लोग बहुत मेहनत है, वो साइकिल में लेके जा रहा है लकड़ी और मेरी साड़ी। तो चलो गैस मैं अभी यहाँ पे काम स्टार्ट करता हूँ फिर। ओके भाई कैडबेरी काम नहीं करके कैडबेरी खा रहा है और इसके सामने कुत्ता के भी दे दे एक टुकड़ा, दे दे ओपल। वाह ये भी पलटू पशु की तरह यार ये खा रहा है। काम करते हैं, काम करके फिर आगे आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। और ये देखो भाई मेहनती लोग यहाँ का, साइकिल में देख कितना लकड़ी लेके जा रहा है इसी से।
गाइस ऑलरेडी मेरा काम हो गया और मैं हूँ अभी यहाँ पे गेट बाज़ार। ये गेट बाज़ार मोड़ है और ये साइड चला जाता है आपका सिली माल बाज़ार और ये साइड चला जाता है आपका मेला गोपुर जलपाईगुड़ी। और मेरा पीछे ये दिख रहा है, आप यहाँ से ये आता है सिलीगुड़ी से। तो हम लोग गाड़ी के लिए वेट कर रहे हैं और गोलू है उधर यहाँ पे वेट कर रहे हैं वो। और मेरा काम था उस टाइम में और मेरा काम कंप्लीट हो गया तो मैं अभी जाऊँगा यहाँ से। वो तो गाड़ी वेट कर रहे हैं, चलो देखिए आपकी आगे की नज़र आप लोगों के साथ में व्यू वेट करता रहूँगा। तो बने रही आप लोगों मेरे साथ। कोई गाड़ी नहीं तो ये है गेट बाज़ार। ये एक पानी का डैम है और ये पानी का डैम यहाँ पे ये पूरा गेट है और ये साइड में पूरा। तो गैस हम लोग को गाड़ी मिल गया है और गोलू बैठे हैं पीछे। ये इधर कैटगरी खा रहा है, इसका कैटगरी मोटा मोटी गीला हो चुका है। हमने बहुत मुश्किल में गाड़ी को रुकाई थी, ये जाएगा फ्रंट की साइड में और हम लोग वहाँ से फिर गाड़ी दूसरा पकड़ के जाएंगे वो साइड में। तो अभी मैं हूँ पेट्रोल पम्प का यहाँ पर, गोलू पीछे खा रहा है तो उसका इसके शायद आज कोई कंपनी हो सकता है। बहुत बने रही है पेट्रोल पम्प यहाँ का। गैस हम लोग का बहुत लेट हो गया और इतना हड़बड़ी में हम लोग है कि अभी मोटा मोटी 3 बजने जा रहा है। पता नहीं इसको म्यूज बंद होगा या छुट्टी होगा, खुला होगा या क्या होगा, कुछ मालूम नहीं है, अभी जाके देखना पड़ेगा। तो वो सिचुएशन बहुत ही डिप्रेशन में आ गया है और मैं अभी हूँ ये पानीडाला बस्ती में और गुल्लू भी है। हम लोग आया हूँ फॉरेस्ट रास्ता, जंगल जंगल और ये सब बस्ती है यहाँ का। सब पानी डरा नेपाली बस्ती है और हम लोग इसी बस्ती वाला रास्ता में एकदम शॉर्टकट रास्ता है। हम लोग इतना जल्दबाज एक्चुअली हम लोग का काम ही बहुत लेट हो गया और इधर बेकआउट जगह कोई गाड़ी मिलता ही नहीं तो इसी वजह से हम थोड़ा जल्दी ही कहने के लिए लेट हो गया। लोग मैदान और बच्चे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं यहाँ पे। यहाँ का बच्चा जो खेल रहा है वो सब हॉस्टल कोई रनिंग कर रहे हैं। आपके भी टाइम ओवर हो गया और प्लस आज इसका एडमिशन नहीं है और हम लोग फिर कल 12 बजे का पहले पहले आना पड़ेगा। और बहुत ट्रैवल किया बाप रे बाप, वहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ, तभी हम लोग पहुँच टाइमिंग में पहुँचने नहीं सका। तो 9 बजे से 12 बजे तक वो स्कूल का टाइमिंग दिया है। कल हम लोग फिर से आएंगे हो जाएगा इसका एडमिशन। आज का तो मेरा सारा व्यर्थ हो गया, खुश रहिए खुशी बांटते रहिए। आज की वीडियो यहीं तक, जय हिंद जय भारत।